आंखों ने आंखों से कुछ कहा, आंखों ने आंखों से सब समझ लिया, हाथों ने कुछ इशारा किया, कुछ समझ नहीं आया तो फिर बताया, और जब समझ आया तो बातें हो गई थी। आंखों ने आंखों की भाषा समझ ली थी, भले ही ये इशारा विधानसभा में हो रहा है, लेकिन जो दो नेता इशारे कर रहे हैं वो राजनीति का वो इशारा है जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ जाए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सामने बैठे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कोर्ट की तारीफ की, नीतीश कुमार ने भी आंखों से जवाब दिया और फिर हाथों से इशारा कर हालचाल पूछ लिया। विधानसभा के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो की चर्चा अब इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार बार बार मंच से कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाना है, लेकिन जब भी तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात या बात होती है तो सवाल उठने ही लगता है कि क्या एक बार फिर से बिहार में होगा सत्ता परिवर्तन। हालांकि जब तेजस्वी ने इन इशारों के बारे में बात किया तो अपने अंदाज में जवाब दिया। देखिए, अब तो देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। अच्छा, लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं, बूझे वाला बूझा था। जेडीयू संग जब आरजेडी का गठबंधन था तो नीतीश कुमार ने एक समय में तेजस्वी यादव को काफी सराहा भी था, बल्कि ये भी कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। अब एक बार फिर से इशारेबाजी शुरू हो गई है तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार फिर से कुछ करने वाले। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।